हेलो गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। मेरा नाम है राजेंद्र, आप देख रहे हैं पीआर की अनबॉक्सिंग यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप ट्रेन का टिकट बुक करने जाते हो तो आपको कुछ परसेंट मतलब चांस दिखाता है कि 90% चांस है, 99% चांस है, 40% चांस है, 70% चांस है कि आप टिकट बुक कर लोगे तो इतने परसेंट चांस में आपकी टिकट बुक हो जाएगी और आपकी टिकट कन्फर्म हो जाएगी। तो क्या ये सारी बातों को हमें मतलब कि समझना चाहिए, फिर नई टिकट बुक कर लेनी चाहिए? तो पूरी जानकारी आपको देंगे इस वीडियो के माध्यम से, वीडियो स्किप मत करना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साइड में बेल आइकन दिख रहा होगा उसे जरूर प्रेस कर लेना ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो गाइस चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे सब कुछ लिख दिया है। पहला नंबर है TQWL कोटा और दूसरा नंबर है RLWL कोटा, ठीक है, और तीसरा नंबर है PQWL कोटा और यहाँ पे लास्ट में है GNWL। तो पहले का हम मतलब समझ लेते हैं। तो आपको मैंने पहले भी समझाया है TQWL, ठीक है, तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट, और यहाँ पे लिखा RLWL यानी रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट, PQWL यानी प्योर कोटा वेटिंग लिस्ट, और यहाँ पे GNWL यानी जनरल कोटा वेटिंग लिस्ट। तो यहाँ पे देखिए तत्काल तो बुक हो मतलब तत्काल टिकट जब आप बुक करते हो तो आपने को क्या करना है, यहाँ पे तत्काल तो कोई बुक करेगा तो उसको भगवान भगवान करे उसका तत्काल में वेटिंग कभी ना आए। तो तत्काल कोटा तो चलिए हम यहाँ पे कर देते हैं साइड में, क्योंकि तत्काल कोटा क्या होता है, उससे हमारी टिकट जो है कि तत्काल में निकल जाती है, ठीक है, तो उसको हम छोड़ देते हैं साइड में। इसकी अगर टिकट आपकी वेटिंग निकल गई है तो इसकी मतलब बुकिंग आपने कर ली है तो ये बहुत मुश्किल होता है इसका टिकट कंफर्म होना। और यहाँ पे देखिए RLWL रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट है, तो रिमोट लोकेशन में अगर आपको बताए कि चांसेस है कंफर्म होने के तो यहाँ पे इसको भी हम नहीं लेना चाहते, क्योंकि यहाँ पे भी मतलब बहुत मुश्किल होती है कंफर्म होने में। और यहाँ पे आया PQWL कोटा, ठीक है, PQWL का भी टिकट बहुत मुश्किल से कंफर्म होता है। सबसे फास्ट कंफर्म होता है तो GNWL यानी जनरल वेटिंग लिस्ट। ये आपको टिकट अगर ये वेटिंग लिस्ट मिल रही है, अगर 50 वेटिंग लिस्ट आई है तो इसमें क्या है आपको टिकट बुक कर लेना चाहिए। तो इसमें क्या है आपको टिकट बुक कर लेना चाहिए 50 वेटिंग है तो भी, क्योंकि ये टिकट बहुत जल्दी फास्ट मतलब कंफर्म होती है। बट इसमें क्या हो कंफर्म होती है, इसके चांसेस कंफर्म हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं, तो इसको आपको कटवा लेना चाहिए। अगर पूरी कंफर्म नहीं है तो REC टिकट तो इसमें आ ही जाएगी, ठीक है। और इसमें हम क्या बताते हैं, जैसे कि आपको लिखा है TQWL कोटा तो यहाँ पे क्या दिया है 5 वेटिंग दिया, तो इसमें चांसेस कभी कभी आपने देखे होंगे 25% चांस है इसके कंफर्म होने के। वो इसमें लिखा है RLWL तो इसमें क्या होता है कभी लिखा आता है 75% चांस होने कंफर्म होने के हैं, और यहाँ पे PQWL आया तो मान लीजिए कि इसमें 50 है तो 50% चांस है कंफर्म होने के, और इसमें क्या आया 50 वेटिंग है तो इसमें लिखा है 99% आपके कंफर्म होने के चांसेस हैं। तो अगर आपको जनरल वेटिंग लिस्ट में 50 भी मिल रही है तो इसको आप करवाना, बाकी इस पर भरोसा इन लोगों पर मत करना, क्योंकि ये रेलवे का नियम है। सब मतलब भले इसमें बताया कि 75% चांस है, 90% चांस है, तो आपको टिकट नहीं बुक करनी है, बहुत मुश्किल से यह कन्फर्म होती है। खाली जनरल वेटिंग लिस्ट कन्फर्म होती है, बाकी रेलवे डिसीजन लेता है कि कौन सी कन्फर्म करनी है कौन सी नहीं कन्फर्म। तो आपको मैं यही समझाना चाहता हूँ, अगर आप टिकट बुक करिए तो सिर्फ जनरल वेटिंग लिस्ट की कीजिए, क्योंकि आपको अगर थोड़ा बहुत ज्यादा फेयर जाता है मतलब 150 का तो आप ये टिकट बुक कर लीजिए और मत कीजिए।